बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस और जर्राहों का कहना है कि आपके जिस्म से आपके हाथ और पांव काट दिए जाएं तो भी कितनी देर आपको अपने जिस्म के साथ उनकी मौजूदगी का एहसास रहता है। तो इस कॉलेज के हवाले से भी इस वक्त कुछ ऐसी ही कैफियत है। ओरिएंटल कॉलेज से मेरा ताल्लुक उतना ही है जितनी मेरी उम्र है। उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद गिरामी भी इसी इदारे के तालबे ख्वाजा साहब के शागिर्द थे और नूरी साहब के और मरहूम साहब के रुफका में से हैं। तो मैं जब आँख खोली और हमेशा उनको ओरिएंटल कॉलेज के वाकयात, उनके किससे क्या बातें थी, किससे दोस्ती थी और उनके इसके स्टोर पे, मतलब मुख्तलिफ जो कुछ मैंने अब आके देखा है, मैंने सुना बचपन से है। तो ये भी अंदाज़ा था कि दो साल पहले कि हमने यहाँ आना है तो जाना है, लेकिन उस वक़्त आने की खुशी में जाने का गम उस तरह से नहीं था जिस तरह अब महसूस हो रहा है। तो मैं यकीन कीजिए इस वक्त कुछ भी उस तरह बड़ा दिखे लाया था, लेकिन कुछ कहने की पोजिशन में नहीं हूँ। मेरे सामने असातिज़ा बैठे हैं मेरे। तो मैं ख्वाजा ज़करिया साहब का सबसे पहले मैं इसलिए तज़किरा करूँगा कि वो जैसे नसरुल्लाह ने कहा कि दादा उस्ताद है, तो वो ऐसी ही बात है। इनसे मरहूम साहब से, नूरी साहब से, और चूँकि मेरे वालिद साहब उनके रफीक थे तो इसलिए ये मेरे दादा उस्ताद ही हुए। तो इनकी एक और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने नूरी ख्वाजा साहब के हवाले से जो लोगों से सुना था के मतलब वो बड़े तम तराफ और खिचे और इस तरह, वो जब मैंने उनको यहाँ पाया तो नम आँख वाला पाया। फूलों की बल्टन इन्होंने क्लास में पढ़ाई उस दिन हमें, वो सारों कतार बोए कि यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने सुना और देखा तो बड़े मुख्तलिफ ऐसे रियाज कदीर साहब मौजूद है, ये भी इनके रुपा काम ऐसे ही हैं। तो उसके इन्होंने फिर जिस मोहब्बत, और मैंने कोशिश की थी किताब के हवाले से, इन्होंने उसमें भी जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इनका शुक्रिया किसी तौर पे भी अदा नहीं कर सकता। और फिर ओरिएंटल में जिस तरह इन्होंने शफकतें दी हैं, मोहब्बतें, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊँगा। और नूरी साहब मौजूद हैं, मेरी बेपनाह गलतियों कोताहियों के बावजूद अगर मैं ओरिएंटल में इतना यानी वो चला फिराऊँ तो सिर्फ और सिर्फ नूरी साहब की वजह से चला, क्योंकि ये वालिद साहब के रफीक थे, वरना मेरे में ऐसी कोई पिछले जनरेशन से में ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस तरह की बात होती। और तमाम असातिज़ा, चाहे इकराम साहब और मरहूम साहब और ज़ियाउल हसन साहब का, इसलिए मुझे बतौर खास तज़किरा करना है क्योंकि ये हमारे अंजुमन के इंचार्ज रहे हैं। तो इनको मैंने जैसा जलाल व जमाल वाला इंसान पाया है, जब इन्होंने जलाल में देखा है मैंने इन्हें, तो ऐसे लगा कि बस फिर अब यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। और जब जमाल में देखा तो ऐसे लगा कि मौलाना हाली की कोई झलक सी नज़र आई इनमें। इकबाल पढ़ाते हुए इन्होंने जिस जिस अंदाज में हमें जिन जिन कैफियात से गुजारा है, अब वो कैफियात का लुत्फ अभी तक दिल में मौजूद है। बहरहाल अब ज़्यादा बात नहीं करनी है, सारे अबल का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपनी पुरखलूस मोहब्बत का इजहार किया है और बहुत खूबसूरत तरीके से किया। तमाम असातिज़ा का, मैं बसीरा का और साबिर लौंडी साहब का, तमाम कामरान साहब का, बेहद तमाम असातिज़ा की शफकतें मोहब्बतें हमेशा शरीक सफ़र रहेंगी। और आखिर में मजीद जमजद का एक शेर सुना के मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं रोज़ इधर से गुजरता हूँ कौन देखता है, मैं रोज़ इधर से गुजरता हूँ कौन देखता है, मैं जब इधर से ना गुजरूँगा कौन देखेगा।